आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। 2022 के चुनाव के तहत आज सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने परिवहन कक्ष व नगदी कक्ष का निरीक्षण किया। कई कक्ष का निरीक्षण करने के बाद संबंधित लोगों को पुलिस ने जरूरी निर्देश दिए। अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए कहा कि व्यवस्थित रूप से ईवीएम मशीन दिया जाए। साथ ही निर्देश दिया कि मतदान केंद्र और केंद्र से वापस आते समय कहीं भी रास्ते में ना ठहरे। उत्तराखंड में सोमवार को चुनाव है। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में 150 आदर्श पोलिंग बूथ और सखी पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। समस्त महिला प्रतिबंधित मतदान केंद्र सखी पोलिंग बूथ स्थापित किए गए। इन्हीं केंद्रों में चुनाव के दौरान समस्त मतदान स्टाफ, पुलिस और सुरक्षा कर्मी महिला की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आराम कक्ष बनाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी हो गई है। लश्कर में पुलिस ने सूचना पर बसपा प्रत्याशी से रुपए व चुनाव सामग्री बरामद की है। इस मामले पर जब लश्कर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बहादुर सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। सूचना पर लक्सर कोतवाली इंस्पेक्टर यशपाल सिंह बिस्ट मौके पर पहुंचे तो उन्हें मौके से दो लोगों को पकड़ लिया, जिनके पास से 1,16,000 व चुनाव सामग्री बरामद की गई, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वह इस पूरे मामले में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद का कहना है कि संजय गुप्ता जो भाजपा से विधायक थे उनके इशारे पर यह सब काम किया गया है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि सोच समझ कर वोट करें। चुनाव में कितने भी बना सकते हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक पावरफुल है, उसके इशारे पे किया जा रहा है। जो दमन की कार्रवाई हो रही है, मैं और जनता लक्सर की उससे डरने वाले नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि इस भरमाक प्रचार में ना आकर के शांति बनाए रखें और 14 तारीख में मतदान अधिक करके इस जो जुलम है, इस जुलम के खिलाफ मतदान करके आप अपना निर्णय सुनाएं। मैं आपकी अदालत में अपील करता हूँ कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, जो ये विधायक कार्रवाई करा रहा है, उस समय डरने वाला नहीं हूँ। ना ही लक्सर की जनता उससे डरेगी, ना ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उससे डरेंगे। सूचना मिली थी थाना प्रभारी लक्सर को, यशपाल सिंह बिस्ट को, कि वहाँ पिपली में जो है कुछ लोग पैसे वगैरह बांट रहे हैं। तो इस सूचना पे जो है इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ चेक किया तो वोटर लिस्ट और पैसा वगैरह 1,16,000 रिकवर हुए हैं। दो लोग पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज। सर, किसके प्रत्याशी के पक्ष में बांट दिए? ये प्रत्याशी की इस समय में जांच की जा रही है। जो भी प्रत्याशी है, जो पकड़ा गया है, ये समीर आलम है, पुत्र मोहम्मद सेफी लिबोली, और एक है साबिर, पुत्र तहसीन, ये दो लोग पकड़े गए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प देने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने बयान दिया। उनका कहना है कि डबल इंजन भाजपा का चुनावी जुमला है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में सिंगल इंजन से विकास का नया मॉडल खड़ा किया। भाजपा चुनाव में मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चेहरा दिखाकर प्रोडक्ट बेचना चाहती है, लेकिन जनता बीजेपी को अच्छी तरह से पहचान गई है। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए जनता का समर्थन मांगा। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है।
आगे ओम गोपाल रावत ने कहा कि ये पार्टी धर्म और जाति के नाम पर समाज को आपस में लड़ाने और सांप्रदायिकता का जहर घोलने में माहिर है। इतना साल मिला करके कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है और विकास यहाँ का अवरुद्ध हुआ है। अगर विकास हुआ है तो चंद चमचों का हुआ है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है, कोई साड़ी बांटे, कोई शराब बांटे, कोई नोट बांटे, लेकिन अंतर मन से सब लोग हाथ के निशान, पंजे के निशान पर वोट दे करके ओम गोपाल रावत को विजय बनाने वाले हैं। टोटल 15 साल जिन्होंने यहाँ पर शासन किया है उनके तो कार्यकलापों से सब लोग अवगत हैं, किन किन का भला वो करते हैं, किन को कौन कौन लोग उनके साथ चलते हैं और कौन कौन लोग यहाँ के जो है उनके नुमाइंदे बने हुए हैं। अगर यहाँ के जो इनके 4-5 लोग यहाँ नरेंद्र नगर विधानसभा में बैठा रखा, अगर इन्होंने नहीं कहा कि यहाँ की आम जनता को जो है वो मिलने भी जाएंगे सुबोध उनियाल जी, अगर उन जो उनके वो गुर्गे हैं अगर वो नहीं चाहेंगे तो अपने प्रतिनिधि से तक मिल नहीं सकते हैं। ये जनता अब समझ चुकी है और जनता ने खुद मन भी बना दिया है परिवर्तन का। विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए गौरल चौड़ मैदान चंपावत प्रेक्षक व जिलाधिकारी की उपस्थिति में जनपद के बूथों के लिए 38 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इन 38 पोलिंग पार्टियों में से 20 पार्टियां विधानसभा क्षेत्र 54 लोहाघाट की व 18 पार्टियां 55 चंपावत की। पार्टी मूव कर रही है, 6 पार्टी हमारी कल जाएगी, जो पार्टी आज जा रही है शाम को अपने बूथ पर पहुंचेगी, इस समय भी पहुंचेगी, उसके बाद वहीं पर विश्राम करेगी, उसके बाद परसों पोलिंग वहीं पर। वही उत्तराखंड में कोरोना के 447 नए मामले मिले हैं जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। ये मरीज दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय व एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी व सरकारी लैब में 20,768 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 20,321 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून में सबसे अधिक 193 लोग संक्रमित मिले हैं। खबर हरिद्वार से है जहां बसपा प्रत्याशी शीशपाल के रोड शो के आयोजन में बसपा के झंडे उतारकर सड़क के किनारे फेंक दिए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर सुरेश राठौर जिंदाबाद के नारेबाजी की। तो केवल इतना कहूंगा, लोगों के दिलों में सुरेश राठौर को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कमल के फूल को लेकर जो उत्साह है उसमें मैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जिन्होंने भीड़ के अंदर भी मेरे नारे लगाए और अपना मंतव्य दिल खोलकर बताया। ऐसे कार्यकर्ता का हम बहुत सम्मान करते हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।